मुसाफिर हूँ यार। लाइसेंस है? नहीं है साहब। 500 रुपया। हेलमेट? वो भी नहीं है साहब। 1000 रुपया। गाड़ी का कागज? वो भी नहीं है साहब। 2000 रुपया। इंश्योरेंस? नहीं है साहब। तेरा इंश्योरेंस है? नहीं है साहब। 4000 रुपया। पापा का इंश्योरेंस? नहीं है साहब। 6000 रुपया। पेट्रोल कितना है? लाल के नीचे रखना इलीगल है, उसका 6000 रुपया। इसका तो पता ही नहीं साहब। हवा 35 से कम है, उसका 5000 रुपया। ये रूल तो हमको पता ही नहीं था। अबे क्या तुम्हारे घर में आके रूल बताएंगे तुमको? तुम्हारा टोटल हुआ 1,95,600 रुपया। अरे बाप रे, गाड़ी तो 20,000 चलान 2,00,000 का। चेक पेमेंट करेगा, कार्ड पेमेंट करेगा? अरे साहब गाड़ी रख लो, ऑटो में चले जाऊंगा मैं। हेलमेट भी है, नंबर प्लेट भी है, इनका चालान कैसे काटूं? चालान कटेगा 5000 रुपए का। सर हेलमेट भी है, गाड़ी का कागज भी है, इंश्योरेंस भी है, रजिस्ट्रेशन है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है सर। सर चालान काहे का कटेगा? ड्यू के तुम लोग के पास। स्टंट मारते होगे, लड़की छेड़ते होगे, कॉलेज के बाद लड़कियों को पटाते होगे, हैं? लगाओ साइड में सर। लगाओ 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 सर। किस लिए? लगाओ 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 साइड में लगाओ। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा? हॉस्पिटल जा रहा था साहब, आप मेरे को पकड़ लिए। मैं कहाँ से चलान? मेरा शकल लगता है मैं चलान दे पाऊंगा आपको? है साहब बहुत गरीब हूँ साहब। अस्पताल में मेरी माँ भर्ती है साहब। आगे बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगा साहब, साइकिल में भी नहीं जाऊंगा साहब, पैदल ही जाऊंगा साहब। एक बार छोड़ दो साहब, एक बार साहब। इतने में तो मान जाते हैं साहब, आप तो मान ही नहीं रहे हो साहब। मान जाओ साहब, कैसे कर रहे हो साहब? माँ भरती है साहब, बाप कहाँ गया पता नहीं साहब, छोड़ दो साहब। ठीक है ये लो चाबी, जाओ सीधा जाना हॉस्पिटल जाना, तुम अपने बाप को ढूंढो। धन्यवाद साहब। जाओ जाओ। जानता है मैं कौन हूँ? सिलोचर का भाई, सिलोचर का कमलेश का, समझे? तेरी अरे यार भाई लोग कहाँ हो? भाई ये क्या बोलते, कमल विहार में ना पुलिस पकड़ ली, जल्दी आओ। तो देख रहे हो भाई लोग, तुम्हारे भाई को पुलिस वाला पकड़ ली है। कौन है भाई? कौन है भाई? यही है। चल चल। छोड़ दो ना साहब, साहब छोड़ दो साहब, छोड़ दो ना साहब। चालान कटेगा, रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे हो। जानते हो भाई कौन हूँ? विधायक का पड़ोसी हूँ।